बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के जन्मदिन पर उनकी अपकमिंग फिल्म एनिमल का टीजर रिलीज हो गया है। इसमें पिता पुत्र के बीच के रिश्ते की कहानी की झलक देखने को मिलती है। हालांकि एक सीधा साधा सा दिखने वाला लड़का एक दिन बड़ा क्रिमिनल कैसे बन जाता है, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। टीजर को देखने पर पता चलता है कि रणबीर एक ऐसे परिवार से है जो काफी संपन्न है। फिल्म में उनके पिता का किरदार बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर निभा रहे हैं। टीजर में साफ दिखाई देता है अनिल कपूर अपने बेटे से नफरत करते हैं और वो रणबीर को थप्पड़ मारते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि रणबीर अपने पिता के खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वहीं रश्मिका मंदाना ने रणबीर की प्रेमिका का किरदार निभाया है और टीजर की शुरुआत उनके किरदार से होती है, जिसमें कहा गया है कि रणबीर को अपने पिता की तरह नहीं होना चाहिए और यही बात उन्हें परेशान करती है। टीजर का अंत बॉबी देओल के दरवाजा खुलने के साथ होता है। एनिमल पहले अगस्त में रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे 1 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया। टीजर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म में रणबीर कपूर की शानदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। रणबीर कपूर का ऐसा किरदार अभी तक किसी फिल्म में देखने को नहीं मिला है। वहीं इसमें अनिल कपूर, बॉबी देओल भी अहम किरदार में नजर आएंगे। बता दें कि रणबीर कपूर की फिल्म साल की दूसरी फिल्म होगी जो सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इससे पहले उनकी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार फरवरी 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म में श्रद्धा कपूर भी मुख्य किरदार में थी। इसे सिनेमाघरों में हिट माना गया था। खबरों की माने तो इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर 149 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके बाद इसे OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज किया गया था। आज के लिए इतने ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए विनेशन न्यूज़।